बीते 4 साल से लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में ऊपर चल रहा नगर निगम कानपुर इस बार अफसरों की मेहरबानी से फिसल गया। 21वीं रैंकिंग से 29वीं रैंकिंग पर पहुंच गया। एक बार फिर घर घर से कूड़ा उठाने, गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं उठने और रोडों पर भरे सीवर के गंदे पानी के कारण नंबर कम हो गए, जबकि अन्य नगर निगमों ने घर घर से कूड़ा उठाने के साथ ही गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग उठाने के चलते ज़्यादा नंबर पाए और रैंकिंग में सुधार किया है। स्वास्थ्य अफसरों की नगर निगम में फौज है, लेकिन काम करने वाले सफाई कर्मचारी ज़रूरत से 50% कम हैं। शहर को स्मार्ट और मेट्रो सिटी का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन सुविधाएँ अभी भी महानगर के बराबर भी नहीं हैं। शहर का विस्तार तेज़ी से हो रहा है, सुविधाएं बढ़ाने के बजाय स्मार्ट सिटी से केवल शहर के प्रमुख इलाकों का रंग रोगन करा के बेहतर दिखाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में नगर निगम की 4 साल पहले 65 रैंकिंग थी, पिछले साल रैंकिंग 21 पहुंच गई थी, अब की बार बढ़ने के बजाय खिसक गई और 29 नंबर रह गई। सफाई कराने को लेकर ट्रांसफर स्टेशन और भूमिगत कूड़ा घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन 5 साल से नगर निगम 110 वार्डों से गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं उठा पाया है। साथ ही जलकल विभाग रोडों पर भरे सीवर के गंदे पानी का समाधान ही नहीं कर सका है। अभी तक सिर्फ 35% ही घरों से कूड़ा उठ पा रहा है। शहर में कूड़ा उठाने के वाहन भी कम हैं। शहर में 68 वाहन मौजूद हैं, जबकि ज़रूरत 90 वाहनों की है। इसके कारण दोपहर तक कूड़ा उठता रहता है। इस कारण सड़क पर गंदगी फैली रहने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। अविकसित इलाकों में कूड़ा कई बार नहीं उठ पाता है। न्यू सिविल लाइन्स बादशाही नाका, हीरागंज, यशोदा नगर, गोपाल नगर, पनकी, रामा देवी, जरौली, गुजैनी, दबौली, रावतपुर गाँव, मिर्ज़ापुर, कल्याणपुर, कलावा खुर्द, अशोकनगर, खलबा, गुबा गार्डन, जूही, परमपुरवा समेत कई इलाकों में गंदगी फैली रहती है। परमपुरवा में तो सड़कों पर सीवर का गंदा पानी हमेशा ही भरा रहता है। अफसरों से जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की जाती है तो वहां से शासन को झूठा जवाब दिया जाता है कि समस्या का समाधान कर दिया गया है। यहां लोगों को जलकल जेई विनोद रावत और नाला ठेकेदार संतराम से बहुत शिकायत है। आरोप है कि दोनों मिलकर परमपुरवा में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी कम होने के कारण और अफसरों की काम चोरी के चलते कई इलाकों में रोज नाली साफ करना दूर, झाड़ू तक नहीं लग पाती है, गंदगी फैली रहती है। अभियंत्रण विभाग ने कूड़ाघरों के आसपास की सड़कों को ठीक नहीं किया है, इसके कारण गंदगी पूरी नहीं उठ पाती है। कूड़ाघरों के बाहर फैली गंदगी हटाने के लिए हर कूड़ाघर में एक सफाई कर्मचारी तैनात है, लेकिन मौके से गायब रहते हैं, इसके चलते सड़क तक गंदगी फैली रहती है। बीते 4 सालों में जो शहर सफाई के मामले में लगातार ऊपर चल रहा था, वो चुनावी साल में ही 21 से खिसक कर 29वें पायदान पर आ गया। इसे देखकर तो यही लगता है कि विभाग के अफसर ही शहर से भाजपा का सफाया करवाने पर आमादा हैं। शहर में सड़कों पर भारी मात्रा में कचरा और सीवर का गंदा पानी भरा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां से कूड़ा कई दिनों से नहीं उठा है, भरे पानी को नहीं निकाला गया है। 2018 में स्वच्छता अभियान का असर हुआ तो टॉप 100 शहरों में रैंकिंग 65वें पर आ गई, 2019 में 63वें पर ही पहुंच पाई, 2020 की रैंकिंग में बड़ा उछाल आया और टॉप 25 में पहुंच गया, 2021 में सिर्फ 4 अंकों के सुधार के साथ 21वें स्थान पर पहुँच सका। इस बार शहर की रैंकिंग लुढ़क कर साल 2020 की रैंकिंग से भी नीचे 29वें पायदान तक पहुंच गई। शहर में रोज 1300 टन कूड़ा जनरेट होता है, करीब 1250 टन कूड़ा ही नगर निगम उठा पाता है। कंपनी बाग चौराहा और फूलबाग सब्जी मंडी में नगर निगम द्वारा तैयार किया गया है आधुनिक कचरा पार्क रविवार को महात्मा गांधी की जयंती पर चालू कर दिया गया। खास तौर पर बनाए गए इस पार्क में बाहर से कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा, अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाई गई है। जैसे ही इसमें कूड़ा भरेगा वैसे ही अलार्म बजने लगेगा। महापौर प्रमिला पांडे ने बताया स्वच्छता रैंकिंग के बाद समीक्षा की जाएगी। कानपुर शहर के 110 वार्डों में 4,65,000 मकान हैं, जिनसे 230 करोड़ रुपये टैक्स आता है। कूड़ा उठाने के लिए 68 वाहन है, जबकि ज़रूरत 90 वाहनों की है। सफाई कर्मचारी 5600 हैं, ज़रूरत 10,000 की है।
रोज 1200 टन कूड़ा निकलता है, इसमें शामिल प्लास्टिक 150 टन निकलती है और रोज केवल 1150 टन ही कूड़ा उठता है। नफीस अहमद, दशक लाइव न्यूज़, कानपुर।